फ्रेंड्स, अगर आप भी थ्री लाइंस, थ्री ब्लॉक्स, कॉर्नर्स, अर्ली सेवन, अपर हाउस, लोअर हाउस, ये सब खेलते खेलते बोर हो गए हो, तो आज मैं आपके लिए सेवन न्यू डिविडेंड्स, न्यू वेरिएशंस हाउसी के लिए के आई हूँ, वो भी आपके अपने स्टैंडर्ड टिकट में। ये एक ऐसे डिविडेंड्स है जो आप डबल टिकट में भी खेल सकते हैं और सिंगल टिकट में भी खेल सकते हैं। जिस ढंग से आप टिकट खेलते हो अपनी गैदरिंग में, उस हिसाब से आप टिकट को इसमें देख सकते हैं। मैं अनु सिंगर आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत दिनों के बाद आप ही की डिमांड पे आज मैंने आपके लिए कुछ सात ऐसे नए डिविडेंड आपके लिए लेके आई हूँ स्टैंडर्ड टिकट में। तो वन बाय वन शुरू करिए, वीडियो एंड तक देखिएगा और मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको सबसे ज्यादा मेरा कौन सा डिविडेंड पसंद आया, कौन से नंबर का। तो करते हैं हम हॉकी से। ये है वो सात डिविडेंड के नाम जो मैंने रखे हैं। हॉकी नंबर वन पे, नंबर टू ट्रिपल टेम्पल, नंबर तीन डाउन स्टेयर्स, नंबर चार हम तुम, नंबर पांच तुम हम, नंबर छह सेंटर प्लस, और सेवन पे मेरा लास्ट है 369। तो आइए वन बाय वन डेलिंग करती हूँ, अच्छी तरह से आपको समझाऊंगी। सबसे पहले फ्रेंड्स हम आते हैं हॉकी पे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने एक हॉकी टाइप का आपके लिए ड्रॉ करा है। इसे आपको कैसे ड्रॉ करना है मैं आपको बताने जा रही हूँ, सिंगल टिकट में अलग और डबल टिकट में अलग। हॉकी हमारी एक पूरी लंबी लाइन सी चलती है, तो जो हमारी ये फर्स्ट वर्टिकल खड़ी हुई लाइनें होती हैं, नौ लाइनें होती हैं, तीन हमारी लेटी हुई होती हैं सिंगल टिकट में, डबल टिकट में छह लाइनें होती हैं। तो ये पूरी एक खड़ी लाइन जो हमारी है, इसे आपको ड्रॉ कर लेना है, मतलब मेंबर से ही ड्रॉ करना है, आपको इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये हमारी हो गई। अब एक कॉलम को हम ऐसे ड्रॉ करेंगे और उसके बाद इसको हम मोड़ देंगे, जैसे कि हमारा हॉकी का एक हिस्सा मुड़ा हुआ होता है, बिल्कुल वैसे। ये देखिए, इसके अंदर अब आपके चाहे कितने नंबर आते हो, छः नंबर आए, सात नंबर आए, दो आए, चार आए, वो मेंबर का लक है। और हम सबको बताएं कि वो दो एक नंबर जो रह जाते हैं वो कितना परेशान करते हैं, पूरी हाउसी निबट जाती है, लेकिन वो दो और एक नंबर नहीं आ पाते। तो बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए, ये आपने जो मार्क दे, ये आपकी हाउसी हो गई, ये आपकी हॉकी हो गई। इसमें हम दो हॉकी भी ड्रॉ कर सकते हैं, एक राइट हैंड की हॉकी और एक लेफ्ट हैंड की हॉकी। ये देखिए, सिंपली जैसे नीचे लंच ब्रेकफास्ट डिनर हमारा आता है, नीचे वाला ब्लॉक आता है, उसी के तरह थोड़े से डिजाइन को टिल्ट करके हमने ये हॉकी ड्रॉ कर लिया। आप इजीली इसका स्क्रीनशॉट लेके भी अपने आप बाद में समझ भी सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया है। तो ये मेरी दो हॉकी होती हैं, आपको दो रखनी है, दो और एक रखनी है। और अगर आपको सिंगल टिकट में रखनी है हॉकी, तो सिंगल टिकट के लिए आप सिंगल टिकट में हाउसी थोड़ी कुछ ऐसी बनेगी, डंडी लंबी डंडी हमारी नहीं आ पाएगी। ये जो हमारा स्मॉल एल हुआ, आप सिंगल टिकट में ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी, जो हमने जितना मुंह घुमाया था डबल टिकट में वैसे भी कर सकते हैं। तो ये स्मॉल सिंगल टिकट की हॉकी हो गई और ये डबल टिकट की हॉकी, तो बिल्कुल लगी रही है कि साहब हॉकी आज हमने खेली और जीती है, चक दे इंडिया कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। अब फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं, अब है हमारी बारी आती है ट्रिपल टेम्पल की। ट्रिपल टेम्पल हमें कैसे बनाना है इसमें फ्रेंड्स, आपको ऐसे ये वी मार्क कर देना है और ये हमारा हो गया एक टेम्पल। जो हमारे लंच ब्रेकफास्ट डिनर जो हमारे ब्लॉक वाइज होते हैं, उस ब्लॉक पे हमें ऐसे वी बना देना है और ये ऊपर के तीनों नंबर आपके माने ही नहीं जाएंगे। जो नंबर हमारे वी बनाने में कट रहे हैं ये नहीं माने जाएंगे, सिर्फ इन दो लाइनों में जितने भी नंबर हैं, चाहे वो एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, कितने भी हो, वो सब चलेंगे ऊपर के, चाहे इसमें भी नंबर हो, इसमें भी नंबर हो, चाहे इसमें भी, तीनों नंबर जब कट गए हैं तो वो आपके माने नहीं जाएंगे। देखिए, अगर मैं इधर को बनाती हूँ तो हमारे ये भी कट गया, 80 भी कट गया। ये देखिए, इसमें 71 भी कट गया और 80 भी कट गया। तो ये ऊपर का जो हमारा नंबर है ये मानना ही नहीं है, ये सिर्फ इमेज को ड्रॉ करना है, सिर्फ लाइन खींच के आपको टेम्पल की शेप देनी है, टेम्पल का लुक देना है, टेम्पल की फील देनी है। तो ये नीचे के जितने भी नंबर हैं ये सब हमारे माने जाएंगे, ऊपर के नंबर किसी के भी नहीं माने जाएंगे। तो ये दो टेम्पल हो गए, और इसी को अगर हम तीन टेम्पल में मान लें तो ये हमारे एक सिंगल टिकट में तीन टेम्पल हो गए, ट्रिपल टेम्पल, 1, 2 और 3। तो कुछ ब्लॉक से हटके, कुछ लाइन से हटके, तो ये आप करवा सकते हैं अपनी किटी में। तो ये हो गए नीचे करने, तो नीचे के अपर टिकट के ट्रिपल टेम्पल, लोअर टिकट के ट्रिपल टेम्पल, तो ये आपका डिविडेंड हमारा पूरा होता है। अब फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं डाउन स्टेयर्स की तरफ को। डाउन स्टेयर्स फ्रेंड्स क्या है, डाउन स्टेयर्स कुछ भी खास नहीं है। ये देखिए, ये सीढ़ियां हमारी नीचे की ओर जा रही हैं। हमने फर्स्ट कॉलम लिया खड़ा हुआ,
उसके बाद एक आगे बढ़ाया, उसके बाद एक आगे बढ़ा दिया। तो ये जो हमारा ये, इसके अंदर अब चाहे कितने ही नंबर आते हों, बहुत ईजी है ड्रॉ करना। आप एक एग्जाम्पल देके अपने गैदरिंग में समझाएंगे तो लोग खुद ही ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि इसमें आपको लाइन्स और कॉर्नर्स और वो सब कुछ नहीं रखने हैं, सिर्फ इसी टाइप के रखने हैं। ऐसे ही अगर हम इधर से मार्क करने चलेंगे, ये देखिए ये इधर के डाउन स्टेयर्स हो गए और ये इधर के डाउन स्टेयर्स हो गए। लेकिन अपनी किटी पार्टी में स्केच पेन जरूर रखें, ये आप पेंसिल या नॉर्मल पेन वाले से काम नहीं होगा। इसमें मार्क जब हमें करवाना है तो आप स्केच पेन के जो 10-15 रुपए वाला पूरा पैकेट आता है वही लेके जाएं, उससे ही मेंबर इजीली कर भी पाएगा और खेल भी पाएगा। आप क्या नीचे के टिकट में भी ऐसी ड्रॉ करवा लें तो आपका ये डाउन स्टेयर्स वाला जो डिविडेंड है ये हमारा पूरा हो जाता है। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, हम तुम हम। इसमें फ्रेंड्स हम तुम क्या है, हम तुम है फ्रेंड्स आपके आगे और पीछे दोनों नंबर सेम होने चाहिए, उसके बाद हम तुम हम पे आएंगे, पहले हम तुम पे। जैसे 22 जो हमारे सेम नंबर होते हैं, 11, 33, 44, 55, 66, 77, 88, देखिए ये दो नंबर तो मेरे ऊपर के सिंगल टिकट में हैं और नीचे के में कोई भी नहीं है फ्रेंड्स, सिर्फ दो ही नंबर है। तो जब ये दोनों नंबर की मेरी कॉल आ जाएगी तो मेरे टिकट में जितने भी हम तुम के नंबर हैं वो सब पूरे होने चाहिए, चाहे वो डबल टिकट में हो चाहे वो सिंगल टिकट में हो। अगर आप सिंगल टिकट से खेलते हैं दो नंबर की रिक्वायरमेंट है, डबल में हो तो जितने नंबर हो उतने आप कर सकते हैं। तो ये हमारा हम तुम पूरा हो गया। अब बात करते हैं हम तुम हम की। तुम हम के लिए फ्रेंड्स, तुम हम के लिए हमें उल्टे पुलटे नंबर एक से लेने हैं। जैसे 2-5, अगर 5-2 भी इसमें है कहीं, 5-2 नहीं है दोनों टिकट में मिला के नहीं है। अब 3-2 और 2-3, जब हम नंबर को उल्टा पुलटा करें वो दोनों नंबर होने चाहिए, केवल 2-3 नहीं, केवल 2-5 नहीं, 8-3 भी हो और 3-8 भी हो नहीं, 4-5 भी हो और 5-4 भी हो नहीं, इसमें नहीं है, 2-6 भी हो और 6-2 भी हो, 2-7 भी हो, देखिए इसमें 1-2-7 है हमारा और 2-7 भी है इसमें और 2-7 भी है। और हम आगे बढ़ते हैं, अब 8-6 भी है इसमें और 6-8 भी है। ये हमारे दो दो नंबर का पेयर चलेगा। हम तुम में पेयर की जरूरत नहीं है, आपके जितने नंबर हो वो माने जाएंगे, इसमें बिना पेयर का नंबर होगा ही नहीं, क्योंकि हमें उल्टे पुलटे के दोनों नंबर होने चाहिए हमारे टिकट में। अब 8-7 नहीं है, 7-8 है, 3-5 नहीं है, 1-2-2-1 नहीं है। तो इस टाइप से हमें देखनी है कि हमारा जो नंबर एक हो रहा है उसका अपोजिट नंबर, उसका उल्टा पुलटा हमारे टिकट में है कि नहीं है, 4-3 नहीं है, 8-3 नहीं है। तो इसमें मेरे चार नंबर होगा, क्योंकि इसमें हमारे पेयर से ही हो सकते हैं, दो पेयर हमारे मैचिंग हो रहे हैं, 7-2-2-7 और 8-6-6-8। तो जिसके मेंबर के भी सारे नंबर पूरे हो जाएंगे वो हमारा इस प्राइस का हकदार हो जाएगा। इसे हम सरप्राइज के तौर पर भी दे सकते हैं, नंबर कटने की जरूरत नहीं है। आपके टिकट में कितनी मैचिंग मिल रही है, कितने हम तुम के नंबर आपके हैं, कटे या ना कटे वो अलग बात है, कितने मैक्सिमम किस लोग जो बैठे हैं उनमें से मैक्सिमम किसके पास हैं। जैसे मेरे पास दो पेयर हैं, किसी के पास तीन पेयर होंगे, किसी के पास चार पेयर होंगे, वो सरप्राइज के तौर पे, उसमें टिकट नंबर नहीं बोलते हैं, नंबर कटे नहीं जाते हैं, कटने में आपके ये दो ही पेयर आपके माने जाएंगे। अब फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं सेंटर प्लस की तरफ। सेंटर प्लस क्या बला है फ्रेंड्स, आपने स्टार्टिंग भी सुना होगा, एंडिंग भी सुना होगा, शुभारंभ भी सुना होगा, विदाई भी सुना होगा। सेंटर प्लस हमारा होता है, हर लाइन में हमारे पांच नंबर होते हैं। तो जब बीच के तीनों नंबर तीनों लाइनों में, देखिए सेंटर प्लस के नंबर बीच के तीन, ये देखिए फ्रेंड्स हमें स्टार्टिंग का नंबर छोड़ देना है, एंड का नंबर छोड़ देना है, बीच के तीन नंबर ले लेने हैं हर लाइन में। आप डबल टिकट से खेलें तो तीनों लाइनों में देखेंगे, और अगर सिंगल टिकट से खेलेंगे तीनों लाइनों में देखेंगे, और डबल टिकट से खेलेंगे तो हम छह लाइनों में देखेंगे। पहला आखिरी छोड़ दिया, फिर ये तीन नंबर मार्क कर लिए, पहला आखिरी छोड़ दिया, फिर ये तीन मार्क कर दिए, इसमें भी पहला आखिरी, इसमें भी पहला आखिरी, इसमें भी पहला आखिरी। तो ये जब हमारा हो जाएगा तो हमारा सेंटर प्लस हो जाएगा, ये हमारे किसी भी हाउस के नंबर को मार्क कर सकता है। जैसे कि हम अपर और लोअर खेलते हैं उसकी बजाय अगर हम ये खेलेंगे तो एक डिफरेंट डिविडेंड होगा, और फ्रेंड्स के बीच में एक अच्छा सा वो आएगा कि हाँ भाई आज हमने कुछ अच्छा, कुछ नया सीखा, कुछ नया खेला, वो भी अपने स्टैंडर्ड टिकट में। अब फ्रेंड्स हमारा लास्ट रह गया है 369। ये 369 क्या बला है फ्रेंड्स, 369 बला है
कि कोई भी नंबर जिसमें थ्री हो, चाहे वो आपका लेफ्ट में हो चाहे वो आपका राइट में हो, उतने 369 आप पे काउंट हो जाएंगे. 3, 6 एंड 9. इसे आप सरप्राइज के तौर पे भी खेल सकते हैं. देखिए बहुत मजा आएगा, डिविडेंड को देखने में ही बहुत मजा आ रहा है. बहुत सारे नंबर की पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी. 3, 6, 3, 6, 9. ये देखिए फ्रेंड्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 नंबर मिले हैं मेरे, 14 नंबर 369 के. वही सरप्राइज तौर पे भी आप खेल सकते हैं, या नंबर जितने हो उतने कटवा भी सकते हैं, ये आपका मन है. ये थे मेरे 1 से लेकर 7 तक कुछ डिविडेंड. अगर आपको कुछ स्पेशल, कुछ अच्छा लगा हो, कुछ फेस पे स्माइल आई हो, तो पहले तो लाइक कर दीजिए, और इसी टाइप के न्यू आइडियाज के लिए सब्सक्राइब करने के लिए क्या मुझे बोलना पड़ेगा फ्रेंड्स? बिल्कुल भी फ्रेंड्स.